we will be picking today this category of ratio only uh, but i just want to discuss the four categories first of all with you that is solvency ratios so solvency ratio tell us the ability of the company to pay off its long term debt as and when they become due what is the meaning of long term debt that is my long term loan that is my anything else debentures debentures ki payment aap time pe kar dete ho Aapne bank se loan rakha hai. Aap uski time pe payment kar ho. it means ki you are solvent enough

तो रेशो का नाम क्या बना ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो वट मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल रिसीवे किसी को ट्रेड क्या करनी आपने रेसोस ट्रेड रिसीवेबल दोबारा बोलो बिल्स पेबल ओके okay. फिर ट्रेड पेबल्स क्या है अगर ट्रेड रिसीवेबल बिल्स पेबल है तो ट्रेड पेबल्स क्या है अगला टीपी है ट्रेड पेबल्स है एनीबडी

टीपी टी आर टीपी मीन स्ट्रेट पेबल टर्न ओवर कितनी जल्दी जल्दी आप अपने पेबल्स की पेमेंट कर देते हो मीन्स आप बहाने बाजी नहीं बनाते आप टाइम पे उन्हें पेमेंट कर देते हो अगेन यू आर एफिशिएंट राइट अगला डब्ल्यू सी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ओवर रेशो यू नो हमारे बिजनेस में दो तरह की कैपिटल्स होती हैं वन इज फिक्स कैपिटल अदर इज वर्किंग कैपिटल

ठीक है मंथ के बाद रेंट की पेमेंट भी आपका रूटीन का एक्सपेंडिचर है मीन सच कैश और सच क्वांटिटी ऑफ कैश शुड ऑलवेज बी इन योर हैंड इन ऑर्डर टू मेट योर डे टू डे एक्सपेंसिस राइट रिपीटेड एक्सपेंसिसब्लू सी टी आर दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो नाम से पता चलता है प्रोफिटेबिलिटी रेशियोज दीज टेल अस अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी लेवल ऑफ अर कंपनी हमारी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी लेवल क्या है जीपी की फुल फॉर्म सबको पता है

ियल इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रन कर रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हैं बैलेंस शीट बनाने की डेट आ गई लेकिन अभी तक आपका वो सामान फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे ठीक है और जब सामान बन के तैयार हो गया है जो नहीं बिका उसे क्या बोलेंगे फिनिश गुड्स का स्टॉक सो स्टॉक टर्म वी विल नॉट बी यूजिंग मच इन दिस क्लास वी विल ऑलवेज बी कॉलिंग इट इन्वेंट्री सो इन्वेंट्री इज ऑल्सो वन ऑफ माई इंपॉर्टेंट current asset will you include br in current assets will you include br in current assets yes or no to bolo yes br is my current asset bhai if i say will you include tr that is trade receivable in the current asset yes because trade receivable in itself is including debtor as well as br so either he can give you tr in the question or he can give you separately br or debtor so all are my current assets right अब देखो उसने पेज नंबर फोर पॉइंट फाइव पे इसका मीनिंग क्या लिखा जो मैंने बोला क्या वही लिखा है और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बोलो, यही लिखा इट इज एन इंडिकेटर ऑफ वेदर द एंटरप्राइज विल बी एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट ये रेशो हमें यह बताती है क्या फर्म अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने में एबल है कि नहीं जैसे ही उनकी ड्यू डेट आती है क्या वो पेमेंट कर देते हैं अपनी करंट लाइबिलिटीज कर देंगे पेमेंट करने के बाद भी इनके पास कुछ करंट एसेट बच जाने का एक रूल है ऑलवेज टू बी पेड एसेट्स ठीक है ना दैट एसेट मे बी योर बैंक बैलेंस दैट मे बी योर कैश इन हैंड

सच टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन आस्क इन क्वेश्चन एंड यूबल टू आंसर इफ यू रेड दाइट चलिए और क्या लिखा है जितना मैंने बोला बॉक्स पे yes. दिया है अगले पेज पे फोर पॉइंट सिक्स पे वेर बाय टॉकिंग अबाउट करंट एसे ऑन यूर राइट हैंड साइड हीं लाइबिलिटीज आपको सब कुछ पता है इसके बारे में देखो जी करंट एसेट्स का मीनिंग क्या है

ठीक है डीडी डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं जब आपका मन करेगा आप उसे विद्रॉ करवा लोगे वो भी कैश इक्विवेलेंट सो फ्यू थिंग्स आर रेडिली टू बी इनटू कैश कैश दैट इज बीइंग एज इक्विवेलेंट करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या हुई इट इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद इन ट्वेल्व मंथ्स बारह महीने के बीच बीच जो कैश में क्या हो जाती है आइटम्स कन्वर्ट हो जाती है उसे करंट एसेट कहते हैं फिलहाल यही डेफिनेशन करेंगे वट इज द मीनिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट नीचे देखो कैटेगरीज़

that is loose tools and stores and spares who will tell why maine bola inventories of so many types one is of raw material another is of work in progress third is of finished goods and fourth is of loose tools and spare parts loose tools ka matlab hota hai pech vagaira theek hai ya chote mote uh, मशीन के पुर्जे वगैरह आपने खरीद के रखे हैं कल को मशीन जाम हो जाती है या फंक्शन करना बंद कर देती है तो हम एडवांस में कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीद के रख लेते हैं ना ताकि वो चीज ऐसी होती है जो मेरे से चेंज कर लेते हैं मेरे को आ, उत, बाहर से इंजीनियर वगैरह या मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं होती वेरी इजी टू चेंज सो व्हाट वी कॉल स्पेयर स्पेयर पार्ट्स पार्ट्स ही सेस दैट आर नेवर बीइंग इंक्लूडेड इन नो

करंट रेशियो कैलकुलेट करते हुए करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड नहीं होगा लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स व्हाई व्हाई बिकॉज दीज आर नेवर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश यू आर नॉट गोइंग टू सेल ऑफ इन द मार्केट आपने अपने लिए खरीदे हैं छोटे मोटे पुर्जे पेज ठीक है नेल्स ठीक है समझ आ गया स्पेयर पार्ट क्या होते हैं छोटे मोटे पुर्जे मशीनों के हो सकते हैं या कुछ छोटे मोटे pages, page जिसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल बता दिया मैंने ब्रैकेट में उसने भी लिखा हुआ है बी आर ऑफ एंड यू नो हिसटस आर ऑलवेज टू बी टेकन आफ्टर द डिडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर अटफुल

ठीक है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस एंड लोन्स लोन योर करंट एसेट कंसीडर एज एसेट जब आप अपने सप्लायर से सामान खरीदते हो और उसे एडवांस देते हो आपने एक लाख का सामान खरीदना है आप दस हजार एडवांस हो आपका एसेट है और जब आपका कस्टमर आपको एडवांस देता है और आप उसके ऑर्डर पे सामान बनाते हो तो आपकी लायबिलिटी है ना एडवांस

करंट एसे इनवेंट्री को कैल्कुलेट करते हुए हम उसमें ट्रेड पेबल बिल्स पेबल योअर क्रेडिटर्स इज इट इट देखो जरा उसने क्या लिखा शॉर्ट टर्म बॉर्विंग ट्रेड पेबल्स अदर करना पड़ेंगे अनकम्डेंड इज द टॉपिक ऑफ आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक ओनलीस इट इन डिटेल कॉल इन एडवांस Calls in advance का थोड़ा सा बता देती हूँ जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं आप अपने शेयर होल्डर से पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं ठीक है पहले आप एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं फिर आप अलॉट कर देते हैं शेयर तो उनसे अलॉटमेंट मनी मंगवाते हैं और फिर डिफरेंट कॉल्स मंगवाते हैं ठीक है कॉल्स आर बी कॉल्ड फ्रॉम देम दस रुपए का शेयर है तो दो रूपए तीन रुपए अलॉटमेंट पे और बाकी ढाई ढाई रुपए आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कुछ शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकेंड कॉल भी पे कर दी उसे कॉल इन एडवांस कहते हैं मतलब पे करना था उसने ढाई रुपए पांच वो ऑलरेडी पे कर चुका था जब उसने फर्स्ट कॉल पे करी तो बकाया जो ढाई रुपए रहते हैं सेकंड कॉल के वो भी टाइम से पहले पे कर दैट इज व्हाट वी कॉल कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एडवांस इज आल्सो लायबिलिटी वी आर लायबल टू दैट शेयर होल्डर बिकॉज यू रिसीव द मनी बिफोर टाइम टाइम से पहले आपको वो पैसा आपके शेयर होल्डर ने दे दिया है सो फ्यू थिंग्स यू नीड टू क्रैम हियर क्योंकि कई टॉपिक मैं इतने डिटेल में यहां पे डिस्कस नहीं करूंगी दो इट इज अ टॉपिक ऑफ योर शेयर कैपिटल ठीक है सिमिलरली सिमिलरलीम डिविडेंड इज अ टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर

जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज की सेम हो कई कंपनीज की टू टू वन के बराबर होगी कईयों की उसके कम होगी कईयों की उसके ज्यादा होगी लेकिन हम आईडियल किसको मानेंगे टू इज वन को ही मानेंगे द एक्सेप्टेबल करंट रेशियो डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंडिंग अपॉन दस्ट इनवॉल्ड हाउ एवर जो आमतौर पर एक्सेप्टेड रेशियो है रूल ऑफ थम है सेटिस्फेक्ट्री रेशियो है वो टू इज टू वन है करंट एसेबल ऑफ और शुड मोर दे तीनों लाइने ठीक हो रही ना मैंने दो गुना ज्यादा होनी चाहिए मीन्स टू टाइम्स मोर देन द करंट लाइबिलिटी और शुड बी करंट एसेट शुड भी डबल देन वॉट करंट लाइबिलिटीज इफ करंट टू और मोर देन टू it means firm is adequately liquid and shall be able to meet its current financial obligation but if it is less than two it means firm may face difficulty in meeting its current financial obligations current financial obligation is an another name of current liability he says if it is two or more than two it means the company will be able to pay off its current liability very easily but if it is two, less than two it means the company may face

ठीक है जिसकी पड़े पड़े वैल्यू बढ़ जाएगी और कल को हमें फायदा होगा सो दिस इज वॉट वी कॉल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वी शुड नॉट ब्लॉक द मनी अननेसेसरली इन करंट एसेट्स जितनी जरूरत है करंट एसेट्स में उतना ही रखो घरों में कभी तिजोरियां भर के रखते हैं जितने पैसे की जरूरत है मतलब डेली या मंथ वाइज हमें जितना खर्चा होता है हमारे बजट के अकॉर्डिंग हम उतना कैश ही घर में रखते हैं ना बाकी आपके पेरेंट्स बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ना ही ज्यादा ज्वेलरी घर में रखते हैं लॉकर्स में रखते हैं ठीक है क्योंकि रिस्क रहता है और यहाँ पे रिस्क क्या है पड़ा पड़ा पैसा तो हमें कोई रिटर्न देगा नहीं बेटर है कहीं पे इन्वेस्ट कर दे सो वी शुड अवॉइड कीपिंग द मोर करंट एसेट्स इन योर कंपनी जितनी जरूरत है करंट एसेट्स की आपने उतने ही करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है देखो लाइन क्या लिखी हाई करंट रेशियो मींस बेटर लिक्विडिटी पोजिशन बट अ वेरी हाई लाइक नाइन परसेंट एट परसेंट फाइव परसेंट दैट इज वेरी हाई मैंने बोला थ्री इज टू वन इज चॉलरेबल .5 ratio is also Lekin जैसे ये चार गुना पांच गुना सात गुना हो जाती है तो दैट इज वॉट वेरीजमेंट ऑफ दोलाजमेंट ऑफ दीन्स आपको अपने फंड करना आ रहा आप अनुबॉक्स में रख के बैठे हैं है, वो तो कभी भी चोरी हो सकता है ठीक है बेटर है उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दो इट मे बी बिकॉज ऑफ द क्यों ऐसा होना चाहिए और क्यों ऐसा आपने इतना ज्यादा करंट क्यों नहीं रखना आपने पास आपके से हो सकते है इंपॉर्टेंट हाई ट्रेड रिसीवेबल बी आर पे बी आर बने जा रहे हैं लेकिन लोग आपको पैसा दे ही नहीं रहे यू आर नॉट एबल टू रिकवर द मनी फ्रॉम योर डेटर्स बी आर की मेच्योरिटी आ जाती है लेकिन आपका डेटर इनकार कर देता है आपको पैसा

अगर आपकी करंट लो है तो क्या है लो है तो क्या है आपकी लिक्विडिटी पोजीशन पुअर मानी जाएगी देखो नीचे क्या लिखा लो करंट ड्यू टू द इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसिड विच में रिजल्ट इन लो लिक्विडिटी एंड बी अ थ्रेट टू द शॉर्ट टर्म सोलवेंसी मीन टू द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंसर्न तो हमारी लिक्विडिटी पोजिशन को एक तरह का धक्का लगेगा एक तरह का खतरा है हम अपने डेट की पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे जिसके कारण वी विल लूज नेम एंड फेम इन द मार्केट आने वाले टाइम में कोई भी हमें उधार देने को तैयार नहीं होगा क्योंकि हम पहली उधारी ही टाइम पे नहीं चुका रहे सो वी शुड ऑलवेज मेंटेन सच टाइप ऑफ सो दैट वी कैन है गुड गुड विल इन द मार्केट वी कैन हैव अ गुड नेम एंड फेम इन द मार्ट और अपने हर क्रेडिटर की जहां तक पॉसिबिलिटी हो टाइम पे उन्हें पेमें पेमेंट करो देन ओनली यू कैन अर्न अ गुड नेम इन द मार्केट ठीक है सो अ वेरी लो करंट रेशियो इज इंडिकेटिंग अ पुअर लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंसर्न सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है नीदर टू हाई नोअर टू लो वी शुड ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन आइडियल दैट इज ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन टू ठीक है ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस मीन्स वाई डू वी कैलकुलेट करंट रेशियो अब तो क्लियर है टू जज द अपनींट निकालते हैं will तो मेरा क्रेडिटर इसमें इंटरेस्टेड होगा मेरा क्रेडिटर बोलेगा आप बताओ एट प्रेजेंट आपकी करंट रेशियो क्या इफ एल सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट टू मी ऑलरेडी मीन्स मेरे एसेट्स जो करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटीज का हाफ ही है क्या वो मेरे को उधार देने को तैयार होगा नो वे सो माय क्रेडिटर्स दे विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन द करंट रेशियो प्लस वन क्लास में आपको इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करवाया होता है ना क्रेडिटर्स गवर्नमेंट कस्टमर्स रिसर्चर्स ठीक है और शेयर होल्डर्स दे ऑलवेज आर इंटरेस्टेड इन आवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन

One full-fledged period about the theory of current ratio. Now it's your turn to read the concepts when you go home. Then only you will be able to get the formula when I will be applying it in the class and I will be solving the numericals relating to it. You know, first ratio you have so important beast by 22 example and B 22 questions. Right? So that's why you have to pay your full concentration when we will be solving the numericals in the class, otherwise, it is easy. बट इज अ फॉर्मूला ऑफ करंट इश्यू याद हो गया होगा